अवेंजर्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स ने सभी स्टोन्स आखिर रिटर्न कैसे किए? डॉक्टर स्ट्रेंज में एंशिएंट वन से नाराज होके बागी हुआ मॉर्डो 616 अर्थ से अचानक गायब कहाँ हो गया? स्पाइडरमैन होमकमिंग में सिनिस्टर 6 को टीज करने के बाद क्या अब ये विलन टीम एमसीयू में कभी दिखेगी ही नहीं? एंटमैन एंड द वास्प में जेनेट को मिली क्वांटम पावर्स अचानक कहां गायब हो गई? ये और ऐसे 15 से ज्यादा पोस्ट क्रेडिट सीन्स अभी भी अनआंसर्ड है एमसीयू के फेज 3 में। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने रिव्यू किया था फेज 4 के पेंडिंग एंड क्रेडिट्स को, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया एंड एज पर आपके कमेंट्स इट्स टाइम फॉर फेज 3 रिव्यू। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है एमसीयू फेज 3 के वो सभी पोस्ट क्रेडिट्स एंड एंडिंग्स जिनका कंक्लूजन अभी भी पेंडिंग है और कौन से प्रोजेक्ट्स में मिलेगा हमें इनका आंसर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। अब फेज 3 की शुरुआत हुई 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जिसके मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखा बकी बांस और स्टीव रॉजर्स वकांडा में, जहां पर वकांडन टेक्नोलॉजी का यूज करके बकी की ट्रीटमेंट की जा रही थी। इसके बाद बकी हमें फिर से दिखा ब्लैक पैंथर के एंड क्रेडिट्स में, लेकिन सिविल वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखा फिर से पीटर पार्कर, जो जर्मनी में टोनी की टीम का पार्ट होते हुए स्टीव से फाइट करके वापस पहुंच चुका था अपने घर। ऑफकोर्स पिटने की वजह से उसकी एक आंख काली हो चुकी थी एंड इसका रीजन बताते टाइम उसने आंट मे को मेंशन किया स्टीव फ्रॉम ब्रुकलिन को भी। यहीं पर पीटर अपने सूट के साथ छेड़खानी करते हुए गलती से एक प्रोजेक्शन ओपन कर लेता है, जो मूवी की एंडिंग में स्पाइडरमैन का लोगो दिखाता है उसकी सीलिंग पे। अब कॉमिक्स में इसे स्पाइडर सिग्नल कहा जाता है, जो सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि स्पाइडरमैन नियर बाय है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज स्पाइडरमैन की फ्यूचर मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में भी नहीं दिखाया गया। मूविंग ऑन टू डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसके मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज मिला थॉर से, जो अर्थ पे आया था अपने भाई लोकी को लेकर अपने फादर ओडिन को ढूंढने। अब इस मिड क्रेडिट सीन को यूज किया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ओजी एवेंजर के साथ मिलाने के लिए एंड इसी सेटअप को यूज किया गया थॉर के थर्ड पार्ट थॉर रैग्नारॉक में। लेकिन इम्पोर्टेंट है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर मॉर्डो हमें दिखा अपनी मैजिकल पावर्स को यूज करके अर्थ पे बाकी सॉर्सरर्स की पावर्स छीनते हुए। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी में दिखाया गया कि कैसे एंशिएंट वन डार्क मैजिक यूज करके इतने सालों से जीती आ रही है एंड ये चीज जब मॉर्डो को पता चली तो उसका फेथ उठ गया एंशिएंट वन की टीचिंग से, जिसके बाद वो कमरताज को छोड़ के निकल गया था। लेकिन ये बागी हुआ मॉर्डो मूवी के पोस्ट क्रेडिट में दिखा एक फुल विलन के रूप में, जहां उसने एक और कैरेक्टर बेंजामिन की पावर्स छीन ली। अब मॉर्डो सोचता है कि जो भी नॉन डिजर्विंग सॉर्सरर्स है उनके पास पावर्स नहीं होनी चाहिए, जिनमें उसके हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज भी आना चाहिए क्योंकि वो सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका था। अब हां, इन्फिनिटी वॉर में डस्ट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की वो पोस्ट चली गई वोंग के पास, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें एक और मॉर्डो दिखा जो इवल था और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट भी की, बट वो दूसरे यूनिवर्स अर्थ 838 का था। तो एमसीयू सडनली अर्थ 616 के मॉर्डो को भूल ही गया। अब नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट जरूर आएगा, लेकिन वो फोकस्ड होगा डार्क डायमेंशन और इनकर्जन्स पे, तो यहाँ पर चांसेस बड़े कम लग रहे हैं, लेकिन होपफुली मॉर्डो की इनकम्प्लीट स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में कम्प्लीट की जा सकती है। नेक्स्ट आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, जिसने एमसीयू के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके फर्स्ट सीन में हमें दिखा क्रैगलिन योंडू के मरने के बाद उसके याका एरो को, जो उसे पास ऑन कर दिया गया था, उस पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए। अब क्रैगलिन और याका एरो की आगे की कंटिन्यूटी हमें देखने मिली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में। इसके सेकंड मिड क्रेडिट सीन में हमें मिला है रेवेजर्स के लीडर स्टैकर ऑगॉट से, जो फिर से रियूनाइट हुआ उसके एक्स टीममेट्स के साथ एंड इसकी भी कंटिन्यूटी हमें देखने मिली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जहां रेवेजर्स की टीम कई पार्ट बनी थी एंड गेम से आई हुई गमोरा भी। थर्ड क्रेडिट्स में हमें दिखी सोवन की लीडर आयशा, जो गार्डियंस की टीम से बदला लेने के लिए क्रिएट कर रही थी एक न्यू आर्टिफिशियल बीइंग एडम। आयशा और एडम का कंक्लूजन हमें मिला गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में ही, जहां ये भी क्लियर हुआ कि हाई वॉल्यूशनरी था एडम वॉरलॉक के क्रिएशन के पीछे। और यहीं पर आयशा की कहानी भी खत्म हो गई, क्योंकि हाई वॉल्यूशनरी के अटैक में वो मारी गई, लेकिन एडम वॉरलॉक पार्ट बन गया गार्डियंस की टीम का। एंड फाइनली लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखा ग्रूट, जो ग्रो अप होके अब एक टीनेजर बन चुका था, जिस टीनेजर की आगे की स्टोरी हमें दिखी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में और उसके बाद वो एज एडल्ट दिखा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, बट इसके भी आगे चलते हुए वॉल्यूम 3 के एंड क्रेडिट्स में वो दिखा एज अल्फा ग्रूट। तो जैसा जेम्स गन ने प्रॉमिस किया था, गार्डियंस की स्टोरी का कंक्लूजन कर दिया गया वॉल्यूम 3 से। अब बात करें स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड क्रेडिट्स की, तो ये इकलौता वो सीन है जिसमें कैरेक्टर की ट्रिलॉजी खत्म हो गई है लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं हुआ। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है टूम्स जो प्रिजन में है, जहां वो मिलता है एक और कैदी मैक गैरगन से, जो टूम्स से पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसे स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पता है, बट टूम्स जिसका अभी हृदय परिवर्तन हो चुका है वो गैरगन को सच्चाई नहीं बताता। अब कॉमिक्स में मैक गैरगन बना था स्कॉर्पियन, जो ओरिजिनल सिनिस्टर 6 टीम के विलन्स में से एक है, जिसका पार्ट वल्चर भी था, लेकिन फिर इस कैरेक्टर की कंटिन्यूटी कहीं दिखाई नहीं
की गई। अब इसका रीजन काफी कॉम्प्लिकेटेड है सोनी मार्वल की डील की वजह से। अब पिछले कई सालों से सोनी प्लान कर रही है सिनिस्टर सिक्स मूवी बनाने को, एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के एंड क्रेडिट्स में उन्होंने इसका टीज भी किया था, लेकिन देन आगे चल के प्लान्स थोड़े चेंज हो गए और फिर हमें देखने मिली मॉर्बियस मूवी। मॉर्बियस के एंड क्रेडिट्स में हमें दिखाया गया कि एड्रियन टूम्स वल्चर अब पहुंच गया है उस यूनिवर्स में, एंड वो अप्रोच करते दिखा मॉर्बियस को टीम अप करने के लिए। अब ऑफ कोर्स उस एंडिंग को भी क्लियर नहीं किया गया अभी तक, एंड हमें ये भी नहीं पता कि ये वल्चर नो वे होम के इवेंट्स की वजह से एमसीयू यूनिवर्स से वहां गया है या फिर वो उसी यूनिवर्स का है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें फ्यूचर में सिनिस्टर सिक्स टीम नहीं दिखेगी। नेक्स्ट आती है थॉर रैग्नारोक, जिसके मिड क्रेडिट्स में हमें दिखी थॉर की स्पेसशिप के सामने आती हुई सेंचुरी 2, जो कि स्पेसशिप थी थैनोस की, एंड इसके आगे की स्टोरी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में कंटिन्यू की गई है। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया ग्रैंड मास्टर का फ्यूचर, जहां अब उसे उसकी गद्दी से निकाल दिया गया है। एंड हाँ, डिज्नी प्लस के शो शी हल्क में साकार को मेंशन किया गया था, क्योंकि हल्क गया था अपने बेटे स्कार को लाने साकार प्लैनेट पे ही, लेकिन ग्रैंड मास्टर का क्या हुआ वो नहीं बताया गया। तो होपफुली इसकी फ्यूचर कंटिन्यूटी हमें हल्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट में ही देखने मिलेगी, जो हो सकती है वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी। फेज 3 के 6th मूवी ब्लैक पैंथर में दिखा ब्लैक पैंथर का ओरिजिन, एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने कंटिन्यूटी दिखाई बकी बांस की स्टोरी की, जहाँ पे शुरी की मदद से वो टोटली रिकवर हो चुका था, एंड फिर वो और बाकी वकांडेंस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखे थैनोस की आर्मी के साथ फाइट करते हुए। लेकिन इसी मूवी का मिड क्रेडिट्स, जहाँ टचाला दिखा यूनाइटेड नेशंस के सामने वकांडा की ट्रू पावर वर्ल्ड के सामने रिवील करते हुए, जहाँ उसने प्रॉमिस किया कि वकांडन टेक्नोलॉजी का यूज वो बाकी दुनिया को भी करने देंगे। अब इससे बाकी दुनिया का तो फायदा हुआ होगा, लेकिन वकांडा को काफी कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़े हैं, बट की कंटिन्यूटी भी दिखा दी गई ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। फेज 3 की फर्स्ट अवेंजर्स मूवी इन्फिनिटी वॉर काफी एपिक रही, जिसकी एंडिंग में थैनोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स पाके स्नैप किया, एंड इसी का इफेक्ट हमें दिखाया गया पोस्ट क्रेडिट सीन में भी, जहां निक फ्यूरी और मारिया हिल भी डस्ट होते हुए दिखे। लेकिन डस्ट होने से पहले निक फ्यूरी ने अपना फेवरेट डायलॉग तो बोला ही, बट साथ ही में एक डिवाइस यूज करके सिग्नल भेज दिया था कैप्टन मार्वल को, जो इस डिवाइस पे बने लोगो से क्लियर हुआ। अब इस सीन की कंटिन्यूटी हमें देखने मिली कैप्टन मार्वल मूवी में, जो कि फेज 3 का ही पार्ट था, तो उसकी डिटेल उसी पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। अब बारी आती है एंटमैन एंड द वास्प की, जिसके मिड क्रेडिट्स में हमें दिखे हैंक पिम, होप और जैनेट स्कॉट लैंग को क्वांटम रेल्म में भेजते हुए, जहां उसका छोटा सा काम था क्वांटम रेल्म से क्वांटम एनर्जी को हार्वेस्ट करके लाने का, ताकि वो ट्रीट कर सके इसी मूवी के विलन एवा एके घोस्ट को। लेकिन इसी के पैरेलल थैनोस के स्नैप की वजह से बाकी तीनों डस्ट हो गए और स्कॉट लैंग फंस गया क्वांटम रेल्म में। अब इस चीज की कंटिन्यूटी तो एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई गई है, लेकिन ये जो प्लॉट पॉइंट था जहां घोस्ट को ट्रीट करने के लिए क्वांटम एनर्जी की जरूरत थी, उस चीज का क्या हुआ वो आगे दिखाया ही नहीं गया। लेकिन हाँ, इसका आंसर हमें एमसीयू के फेज 5 की मूवी थंडरबोल्ट्स में मिलेगा। बट यहीं से एक और वियर्ड सी चीज पेंडिंग रह गई है। इसी मूवी की क्लाइमैक्स बैटल खत्म हुई जब जैनेट वापस आ गई क्वांटम रेल्म से अर्थ पे, एंड उसने क्वांटम एनर्जी की मदद से घोस्ट को हील किया। बट एंटमैन फ्रेंचाइजी का भी थर्ड पार्ट क्वांटम मेनिया भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया कि जैनेट की ये पावर्स थी क्या और अब कहां चली गई, क्योंकि क्वांटम मेनिया में तो उसे कोई भी पावर्स यूज करते हुए नहीं दिखाया गया। इनफैक्ट अगर सोचे तो क्वांटम मेनिया का प्लॉट जो शुरू ही हुआ था क्वांटम रेल्म में एक सिग्नल भेजने की वजह से, जिसको लेके जैनेट बहुत कंसर्न थी, बट ये चीज उसने यहाँ पे इस एंड क्रेडिट्स के टाइम नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्कॉट लैंग क्वांटम रेल्म में ही जा रहा था। तो मेरे हिसाब से जैनेट के पास ये अच्छा मौका था बाकी फैमिली मेंबर्स को कैंग के प्रेजेंस से वॉर्न करने के लिए। फेज 3 की नेक्स्ट मूवी थी कैप्टन मार्वल, जो अगेन एक ओरिजिन स्टोरी थी। इसके पोस्ट क्रेडिट्स में हमें दिखा गूस, जिसने निकला हुआ टेसरेक्ट उगल दिया फ्यूरी के डेस्क पे, एंड इसके बाद ही शील्ड बनी एंड कैप्टन अमेरिका बना फर्स्ट अवेंजर। बट मूवी का प्लॉट टोटली सेट था 1990s में, तो हमें वापस लाया गया 2018 के टाइमलाइन में इसी मूवी के मिड क्रेडिट सीन में, जहां पर निक फ्यूरी के एक्टिवेटेड पेजर को मॉनिटर करते हुए दिखे अवेंजर्स उनके बेस पे, एंड यहीं पर इनके पीछे सडनली आ पहुंची कैप्टन मार्वल निक फ्यूरी को ढूंढते हुए। देन इसके आगे की कंटिन्यूटी हमें अवेंजर्स एंड गेम में दिखाई जा चुकी है। अब फेज 3 की लास्ट मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसके मिड क्रेडिट्स में दिखा जे जोना जेमसन, जिसने पब्लिकली ब्रॉडकास्ट की वो न्यूज और फुटेज जहां पर क्विंटन बेक ने ओपनली कहा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसकी आइडेंटिटी लीक कर दी गई इस वर्ल्ड के सामने। अब ऑब्वियसली फेज 4 की सुपर डुपर हिट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम ने इस एंड क्रेडिट को आंसर कर दिया है। लेकिन फार फ्रॉम होम का सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पे हमें दिखाया गया फ्यूरी और हिल को, जो एक्चुअल में रिवील हुए स्क्रल टैलोस और उसकी वाइफ सोरन के रूप में, वो अर्थ पे काम कर रहे थे निक फ्यूरी के ऑर्डर पे, जो दिखा स्पेस में एक स्पेसशिप में स्क्रल्स के बीच। अब इसकी कंटिन्यूटी जहां टैलोस और सोरन की स्टोरी कंप्लीट कर दी गई सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में, यहीं पर निक फ्यूरी भी मेन कैरेक्टर था। लेकिन निक फ्यूरी का स्पेस में वो मिशन क्या था वो क्लियर होगा द मार्वल्स में, जो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो चुका है मूवी के ट्रेलर की वजह से। बट एग्जैक्टली इस एंड क्रेडिट्स का कंक्लूजन होगा इस साल आने वाली मूवी द मार्वल्स से।
अब बात करते हैं फाइनली अवेंजर्स एंड गेम की। इस मूवी में कोई भी एंड क्रेडिट्स नहीं था, या फिर था। मूवी की एंडिंग में जब सभी कैरेक्टर्स और एक्टर्स के नाम दिखा दिए गए थे, उसके बाद जो टोनी स्टार्क के हैमर का साउंड था वही मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन था। लेकिन इसके अलावा भी टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के बाद जितने भी सीन्स थे वो सभी मिड क्रेडिट्स में काउंट होंगे। बट इस फ्यूनरल में जो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको सिर्फ टीज करके छोड़ दिया गया, वो था हार्ली किनर। आयरन मैन के थर्ड पार्ट में टोनी स्टार्क मिला था हार्ले से जब वो अपने सूट को रिपेयर करने के लिए उसके घर में घुस गया था। तो इसी सेम एक्टर टाई सिम्पकिंस को 10 साल बाद इस मूवी में ऐड करना एक अच्छा ईस्टर एग था। लेकिन फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्योंकि फ्यूचर में अभी तक इस कैरेक्टर हार्ली किनर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। फेज 4 के प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट से पहले ऐसे लग रहा था कि आयरन हार्ट को हार्ली किनर प्ले करेगा, लेकिन फिर वो भी एमसीयू में टोटली सेपरेट कैरेक्टर है। तो हार्ली को यहाँ दिखाना सिर्फ एक टीज ही हो सकता है जिसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मिड क्रेडिट्स में हमें थॉर दिखा वैल्करी को न्यू असगार्ड का न्यू किंग बनाते हुए, और उसने ज्वाइन कर लिया गार्डियंस को। अब इन दोनों की आगे की स्टोरी हमें देखने मिली थॉर लव एंड थंडर में। एंड फाइनली स्टीव रॉजर्स, जो सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनीर को उनकी प्रॉपर टाइमलाइन में रिटर्न करने गया था, उसने डिसाइड कर लिया पास्ट में ही रहना और वो सेटल हो गया पैगी कार्टर के साथ। जहां लास्ट में हमें एक सेपरेट टाइमलाइन का एल्डर स्टीव रॉजर्स फिर से दिखा, जो सैम विल्सन को अपनी शील्ड थमा गया और उसे बना गया नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका। अब इसके आगे की स्टोरी हमें फेज 4 के डिज्नी प्लस शो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में दिखाई गई। लेकिन स्टीव रॉजर्स ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स और म्योनीर को कैसे वापस रिटर्न किया वो नहीं दिखाया गया। एंड आई नो आप सोच रहे होंगे कि एंड गेम, जो कि सेकंड लास्ट मूवी थी फेज 3 की, उसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है। अवेंजर्स एंड गेम को लास्ट नंबर पे रखने का रीजन है कि ये मूवी इतने सारे पेंडिंग क्वेश्चन छोड़ गई है कि सिर्फ उनको आंसर करना ही एक बड़ा टॉपिक है। तो इससे पहले कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में फेज 2 की मूवीज के पेंडिंग एंड क्रेडिट्स रिव्यू करूं, पहले मैं रिव्यू करने वाला हूं अवेंजर्स एंड गेम के पेंडिंग क्वेश्चंस को। अगर इस मूवी से रिलेटेड आपका भी कोई पेंडिंग क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख के मुझे बताना, मैं वो भी इंक्लूड करने को ट्राई करूंगा। तब तक फेज 4 का वीडियो एंड स्क्रीन से चेकआउट कर लेना, एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।